हाय, मैं हूँ प्रियंका संभव और आज हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिप की, क्योंकि सिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया बन रहा है जिससे आप छोटी सी रकम के साथ भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और छोटी मतलब बेहद छोटी, 500 रुपए से भी कम का सिप किया जा सकता है। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का जो एक नया डेटा आया वो ये बता रहा है कि पिछले 5 साल में 30% की ग्रोथ सिप में नजर आ रही है। तो आपसे ये सिप की गाड़ी बिल्कुल भी ना मिस हो, इसलिए आज समझते हैं क्या होता है सिप, कैसे कर सकते हैं आप, क्या है इसके फायदे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मनी नाइन के इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियोस हम जब लेकर आए तो आप तक लाइव नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज होगी सिप पर बात और सबसे जरूरी बात ये भी कि सिप की तारीख कौन सी चुननी चाहिए, कैसे चुननी चाहिए। ये समझाने के लिए आज मेरे साथ है फाइनेंशियल कोच और दोहानॉमिक्स के लेखक विनायक सपरे, जिन्हें मॉडर्न कबीर भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहा जाता है। तो आज मॉडर्न कबीर से हम समझेंगे कि इस मॉडर्न जमाने में सिप के जरिए आपका निवेश कैसे छोटे छोटे कदम रखते हुए बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकता है। थैंक यू सो मच विनायक जी, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। बात जब हम कहते हैं ना सिप, सिप सुनते ही चाय की चुस्की याद आती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की चुस्की की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की चुस्की है उसे सबसे सही तरीके से अगर लेना हो तो सिप क्यों है सही और क्या होता है सिप, कैसे काम करता है सिप? जी धन्यवाद प्रियंका, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और आपने जो बात चाय की चुस्की से की है, तो जैसे दिन की शुरुआत चाय की चुस्की से होती है, वैसे ही किसी भी निवेशक के लिए SIP से शुरुआत करना शायद बहुत ही आइडियल होगा। और आपने पहले ही कहा कि छोटी से छोटी रकम, महज 100, 200, 500 रुपए से भी आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जिसको हम SIP के नाम से जानते हैं। जो प्रचलित नाम है वो SIP है। जैसा कि नाम से ही प्रचलित समझ में आता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट, हर महीने की जाने वाली इन्वेस्टमेंट। और इसको आप जब भी आप निवेश कर रहे हो तो कुछ चीजें जो आपको बहुत जरूरी है ध्यान में रखने के लिए, इसका अगर आपको फायदा उठाना है तो वो ये है कि आपको धैर्य रखने की जरूरत है। साथ ही साथ इसके फायदे और क्या है कि इसका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा आपको मिलता है। और जो बहुत प्रचलित है, जो सारे एक्सपर्ट्स इतने सालों से एक बात कहते आ रहे हैं कि आप SIP करें, तो हमने 7वीं 8वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज, वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से SIP में काम आता है। तो अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो SIP से बेहतर चीज लॉन्ग टर्म में कोई नहीं। अच्छा विनायक, मुझे ये बताइए कि अगर कबीर होते तो कबीर सिप को देख करके क्या बोलते, उनका कौन सा दोहा आपको बिल्कुल फिट लगता है सिप के इन्वेस्टमेंट के लिए? तो जैसा मैंने कहा कि धैर्य, निरंतरता, पेशेंस और डिसिप्लिन, ये दो जो है वो प्री रिक्विजिट है, एक जो बहुत जरूरी है SIP करने के लिए। तो कबीर साहब का जो दोहा है, जब वो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ खोए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ खोए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल, बाजार तमाम उतार चढ़ावों से गुजरेगा और ऐसे में आप अपना धैर्य ना खोए, निरंतरता बनाए रखें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें और फिर देखिए आपके जो सपने हैं या जो आपके गोल्स हैं वो अचीव होते हैं कि नहीं, आप कम से कम नजदीक तो जरूर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो धैर्य सबसे जरूरी हो जाता है। और जब विनायक जी कोई सोचता है कि सिप करेंगे तो सबसे पहले होता है कि किस तारीख को वो सिप करेंगे, आपकी सैलरी आएगी शायद 1 तारीख तक आएगी, 2 तारीख तक आएगी, तो मैं सैलरी आते ही 3 तारीख को सिप शुरू कर दूं, 5 तारीख को शुरू करूं, या फिर मैं महीने के अंत में करूं? क्योंकि जिन लोगों ने सिप किया हुआ है ना, वो अक्सर उनको ये रहता है कि यार जिस दिन मेरी सिप की डेट आती है ना उसी दिन जो है वो मार्केट बढ़ जाता है और मुझे
बहुत महंगा मिल रहे होते हैं हर यूनिट, तो इसको आप समझाएंगे क्या ऐसा होता है, क्या ये डेट का कुछ है क्या फंडा, और हमें डेट चुनते वक्त क्या करना चाहिए, शुरुआत में लें, महीने के बीच में डेट करें या टुवर्ड्स द एंड पिक करें? जी, तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने राय प्रकट की है और अपनी सुविधा के हिसाब से डेट देखकर लोग बताते भी आए हैं कि फला तारीख को अगर आप SIP करते तो आपके रिटर्न ज्यादा आते। लेकिन ये सारी चीजें हाइंडसाइट में जब चीज हो चुकी होती है तब पता चलती। लेकिन जो मैंने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है मेरा कि अगर आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो आपको मैं कहानी सुना सकता हूं दो मित्रों की, कि दोनों ने आज से 20 साल पहले यानी जून 2001 में ये डिसाइड किया, ये निश्चित किया कि हर महीने एक निश्चित धनराशि निवेश करेंगे, और डेट डिफाइंड नहीं थी, डेट डिसाइड नहीं किया था, ये किया था कि महीने में एक दिन करेंगे। शायद किसी बिजनेस में होंगे तो ये था कि जब पैसा आएगा तब हम निवेश कर देंगे। तो लेकिन मजेदार बात यह है कि उसमें एक था जो कि बहुत लकी था या सौभाग्यशाली था, तो वो जिस दिन पैसा डालता था उस दिन उस महीने का मार्केट का बॉटम होता था। आमतौर पे लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जिस दिन मेरा SIP जाता है उस दिन मार्केट ऊपर होता है ना, आपको भी कई लोगों ने शिकायत की। तो ये ऐसा इस व्यक्ति के साथ 20 साल लगातार हुआ, हर महीने यानी 240 काफी सौभाग्यशाली था ये तो। हाँ, मतलब ऐसे सौभाग्यशाली लोग बहुत कम होते हैं यार, मैंने तो नहीं सुना ऐसा कोई सौभाग्यशाली। ठीक है, इसी का एक मित्र था जो कि वो बेचारा जिस दिन निवेश करता उस महीने का उसका टॉप होता था, यानी जिस दिन वो सेंसेक्स में पैसा डालता था जून 2001 से लेके मई 2021 तक 240 महीने तक वो लगातार अनलकी रहा कि जिस दिन वो पैसा डाले उस दिन मार्केट उस महीने का टॉप बनाता था। लेकिन जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आपको दिखाई देता है, वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि दोनों का डिफरेंस जो है रिटर्न का, अगर आपसे मैं पूछूं या किसी भी एक लेमन से पूछूं कि दोनों का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होगा, तो आपके मुंह से यही निकलेगा कि हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन एक्चुअली दोनों के बीच का जो रिटर्न का डिफरेंस है, जो अंतर है, वो सिर्फ 1.1% है। ना चौंकाने वाली बात कि लोग इतनी माथापच्ची करते हैं तारीख को लेकर, उसके बजाय अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लकी और सबसे ज्यादा अनलकी, मतलब ये आइडियल सिचुएशन है कह सकते हैं। हमको आमतौर पर ऐसे लोग दिखते नहीं है जो 240 महीने तक लगातार लकी हो या 240 महीने तक लगातार अनलकी हो, उसमें दोनों का डिफरेंस सिर्फ 1.1% का। तो अगर कोई व्यक्ति बिना ये सब देखे निवेश कर रहा है तो ही विल फॉल समवेयर इन बिटवीन 1.1 के बीच में, तो वो गैप और कम हो जाएगा। तो इस तारीख के चक्कर में ना पड़ के आप चुपचाप, मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति को अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए और निवेश रेगुलर करते रहना चाहिए, पेशेंस के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आपने कहा कि 1% के आसपास का डिफरेंस था, कुछ कैलकुलेशन जो आपने ये पूरा एग्जांपल दिया ना वो हम दिखाएंगे। तो आपने कहा 10,000 रुपए दोनों डाल रहे थे, एक को मार्केट का टॉप वाला दिन मिलता था, एक को गिरावट वाला, 20 साल तक डाला, 240 महीने, तो दोनों ने 24 लाख रुपए लगाए थे। एक को जो है मिलते हैं 68 लाख और एक को मिलते हैं 78 लाख। आप कह रहे हैं 1% से कम है, लेकिन देखिए दोनों के बीच का फासला जो ये 1% ही जो है ना वो 10 लाख बना रहा है विनायक जी, ये कम तो नहीं हुआ, ये तो बड़ा हुआ। जी बिल्कुल बड़ा हुआ है, मैं इस बात से बिल्कुल दो राय नहीं रखता हूँ। ये जो आपको 68 और 78 के बीच का डिफरेंस है वो 10 लाख का दिखाई दे रहा है। हाँ। लेकिन बात यहीं पे आती है कि क्या आप इतने ज्यादा अनलकी हैं कि आपको 240 महीने तक हमेशा टॉप ही मिलेगा, उसका उत्तर है नहीं, है ना। और कोई व्यक्ति अपने अंदर से मान भी रहा हो कि मैं बहुत अनलकी हूँ, लेकिन पब्लिकली उस चीज को शायद मानने को तैयार नहीं होगा, और निश्चित ही वो धनराशि जो गैप है वो कम हो जाएगी। तो एंड इट्स नॉट वर्थ टाइम टू
फोकस ऑन सच थिंग्स कि आप हमेशा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा फ्लॉड इसलिए भी है क्योंकि विनायक जी ने ये कैलकुलेशन जब मुझे बना के दिया तो हमने यही रखा था कि हर बार जब वो पैसे डाल रहे हैं तो उस दिन वो बाजार जो है बढ़ा हुआ है और जो दूसरे शख्स डाल रहे हैं तो हमेशा गिरा हुआ है, तो ठीक है ये थोड़ा सा प्लॉट हो सकता है। पर हाँ ये है कि 240 दिन वो जितने बार डालेंगे 240 महीने में उतने बार मार्केट गिरा हुआ नहीं होगा, किसी दिन बढ़ा होगा किसी दिन कम होगा, और यहीं पर मुझे लगता है एवरेजिंग का फॉर्मूला काम करेगा। क्यों विनायक जी? तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की यही खूबसूरती है कि आप जब भी ऊपर नीचे का जो उतार चढ़ाव का जो एक बाजार का रुख होता है, जो बाजार का नेचर है, उसका वो ख्याल रखता है ओवर लॉन्गर पीरियड, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नॉर्मल एवरेज प्राइस से कम हो जाती है। और आमतौर पे लोग जब SIP की बात करते हैं तो हम हमेशा सुनते हैं कंपाउंडिंग के बारे में, लेकिन लोग ये बात जो नजरअंदाज कर जाते हैं या बताना भूल जाते हैं कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कम इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं करती, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अनसंग हीरो है। तो हमेशा लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, धैर्य जो है उसका दामन थामे रहना है, लेकिन इजियर सेड देन डन विनायक जी। बाजार जब ऊपर नीचे जाता है तो ऑब्वियसली दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे जाती है, और हमने देखा जब भी बाजार नीचे गिरने लगता है तो लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने लगते हैं, रिडीम करने लगते हैं, अपने सिप्स रोक देते हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? घबराएंगे ये लोग अगर बाजार में सडनली स्पाइक देखेंगे वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन आपने जो इस सवाल पूछा है। तो ये वाकया मुझे याद है, ये पिछले साल जून 2020 में हुआ, जब कई लोगों ने जब बाजार गिरा मार्च में और उसके बाद थोड़ी सी भी रिकवरी आई तो कई विशेषज्ञों ने एक बात कही कि आपका 5 साल का SIP का रिटर्न था, आप 5 साल के लिए अगर SIP कर रहे थे, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि SIP और भी ज्यादा लंबे समय के लिए होनी चाहिए, 5 साल इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड फॉर SIP इन्वेस्टर्स, लेकिन कि दिसंबर 2015 से जिन्होंने SIP की थी और जून 2020 में, मैं दो फंड्स का नाम लिए बगैर बताता हूँ कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, उनका भी 55 महीने यानी पूरे 5 साल पूरे नहीं हुए थे, 55 महीने में SIP का रिटर्न था, एक का, ये लार्ज कैप फंड है दोनों, एक का रिटर्न था 7.87%, 55 महीने में यानी 4 साल और 7 महीने, और दूसरे फंड का रिटर्न था 3.84%। तब लोगों ने कहा कि आप SIP बंद कर दीजिए, और कई लोगों ने, बेचारों ने SIP बंद कर दी कैश फ्लो होने के बावजूद, क्योंकि किसी ने बताया कि बंद कर दी। तब भी मैं एक बात कहता था कि आप जब भी आप निवेशक हैं SIP के तो आपको धैर्य और अनुशासन का पालन तो आवश्यक है ही, और इसलिए आपको, और बाजार में उतार चढ़ाव एक ही स्वाभाविक खेल है, इस वजह से ही लोग पैसे बनाते भी हैं। अगर बाजार में उतार चढ़ाव ना हो, लीनियर मूवमेंट हो, तो FD जैसा रिटर्न नहीं आएगा ना, FD में कोई मूवमेंट ज्यादा नहीं होती है। तो लेकिन अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव की बात करें तो ये स्वाभाविक है, इसलिए पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये होगा ही, और इस वजह से अगर आप उस समय धैर्य और अनुशासन का पालन करेंगे तो आपको लंबे समय में रिटर्न दिखाई देगा। और वही हुआ कि अगर अगले 12 महीने में जिन लोगों ने उसको कंटिन्यू किया तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न आज 67 महीने बाद के बाद जिसका रिटर्न 7.87% था, वो बढ़ के हो गया है 17.41%, और दूसरे का है 13.94%, करीब 14% का रिटर्न है। खाली यह इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने पेशेंस दिखाया, और बाजार चढ़ने के बावजूद अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दो फंड्स की देखिएगा तो कॉस्ट जो है एक्विजिशन की, वो जो जून 2020 में थी उसमें, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ, हालांकि बाजार कहां से कहां पहुंच गया, और NAV 35-40% ऊपर चली गई, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो काफी कम रही। यही ब्यूटी है जो काम करती है। तो जब मैंने कहा कि आप अगले 12 महीने और इंतजार करिए कम से कम, तो जिन लोगों ने इंतजार किया और निवेश करते रहे तो उनको उसका फायदा बिल्कुल दिखाई देता है। और
तो मुझे रहीम साहब का एक दोहा याद आता है, बहुत बढ़िया दोहा है इस बारे में। वो कहते हैं कि रहीमन चुप बैठिए देखी दिनन के फेर, रहीमन चुप बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। जब अच्छे दिन आएंगे तो समय नहीं लगेगा और पैसे बनेंगे, लेकिन आपको धैर्य और अनुशासन का पालन करने की जरूरत है। देखी दिनन के फेर, यानी उतार चढ़ाव जो भी चल रहा है वो चलने दीजिए, वो उसका स्वभाव है, वो होगा। मुझे ये बताइए कि धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, लंबे समय तक आपको बने रहना है, इन सब के अलावा कोई अगर सिप करना चाहता है जो बिगिनर है, आप उसे सिप की क्या क्वालिटी बताएंगे, क्या वो मंत्र आप देना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं? तो मंत्र मैं उनको यही दूंगा कि सबसे पहले, खासकर जो नौजवान लोग जो नौकरी शुरू कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला जो मैंने खुद पे लगाया, मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नए जवान नौजवान लोग जो आज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कि पहली सैलरी पहला सिप। और ये इसलिए करें कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आपको एक डिसिप्लिन देता है, और दूसरी चीज ये है कि कन्वीनियंट है। जो सबसे जरूरी चीज है कि ये सब करने के लिए आमतौर पे लोगों को शिकायत होती है कि मेरे पैसे नहीं बचते। यदि आप एक दिन आधा घंटा बैठ के एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, या कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मत बनाइए, एक डायरी पे लिखिए कि मेरा जो खर्चा है इसमें मेरी जरूरत क्या है और चाहत क्या है। ये जो मेरी जरूरत की चीजें हैं जो हम इम्पल्स बाइंग कहते हैं, तो क्या मैं उसको थोड़ा एक हफ्ता दस दिन के लिए आगे बढ़ा सकता हूँ, क्या मुझे ये खर्चा करने की जरूरत है। तो जो नीड है वो तो है, जैसे फोन खरीदना है मेरी नीड है, मुझे जरूरत है, मुझे करना पड़ेगा, उसके बिना आज जिंदगी नहीं चलती। लेकिन मुझे 30,000 का फोन चाहिए कि मुझे 70,000 का फोन चाहिए, करेक्ट? तो इन सब चीजों को जब आप देखेंगे तो धीरे 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 करके आपकी अपने आप आदत बनती जाएगी, और जैसे जैसे आपका अगर आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाए वैसे वैसे SIP का अमाउंट आप बढ़ाते चले जाइए, ताकि एक समय ऐसा आएगा जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकेंगे, मच अर्लियर देन यू कैन थिंक। और तारीख के चक्कर में नहीं पड़ना है, तारीख पर तारीख का चक्कर जो है वो कोई मदद नहीं करने वाला, आप किसी भी तारीख में बस शुरू करना ज्यादा जरूरी है, राइट विनायक जी? जी बिल्कुल, शुरू करना बहुत जरूरी है, तारीख के पछड़ों में ना पड़े आप। जैसे कि मैं एक बात कहता हूँ कि इन सब चक्करों में पड़ने के बजाय आप अगर ये सोचें कि आप अगले 15-20-25 सालों तक न्यूज़पेपर वाले को पैसे देने वाले हैं हर महीने, केबल वाले को पैसे देने वाले हैं, दूध के लिए पैसे देने वाले हैं, तो एक महीने का बिल ऐसा हो जो अगले 20-25 सालों तक आपके लिए हो। मजे की बात यह है कि वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे। तो ये सोचिए कि जहां जैसे इन लोगों को हम हर महीने का बिल दे रहे हैं, वैसे ही एक बिल खुद के नाम से भी SIP को मान के दे शुरू करें। तो शुरू कीजिए सिर्फ, क्या सोच रहे हैं आप, और बात भी होगी कि लंबे समय तक निवेश आपको इसमें करना है, और कोई लंबा चौड़ा अमाउंट आपको नहीं चाहिए, छोटे से 500 रुपए के अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, और इससे कम आपको माइक्रोसिप 100 रुपए के मिल जाएंगे। तो शुरुआत कीजिए, और कोई तारीख वारीख का कुछ चक्कर नहीं है, जिस दिन आप शुरुआत करेंगे वही शुभ तारीख है। थैंक यू सो मच विनायक सप्रिया, आपने टाइम निकाला मनी नाइन के लिए। तो सिप कीजिए और अपने भविष्य के लिए पैसे जमा कीजिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस तरह के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मनी नाइन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन जो आपको नजर आ रहा है उसे भी क्लिक करें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।